नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ प्रीति। महाराष्ट्र और हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर पहुंचने लगा है। सभी पार्टियों के दिग्गज प्रचार मैदान में उतर चुके हैं। सभी एक से बढ़कर एक वादे कर रहे हैं, तो वहीं आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी तेज हो चुका है। लोकतंत्र में हम बात करेंगे चुनाव नेताओं के वादों की और बताएंगे क्या है हिसार के मुद्दे। शुरुआत कर लेते हैं सुर्खियों के साथ। शिवसेना का बीजेपी पर राज्य को बांटने का आरोप। सिंदखेड़ा में प्रधानमंत्री का ऐलान, नहीं बंटने देंगे महाराष्ट्र। नितिन गडकरी को चुनाव आयोग के नोटिस का आज शाम तक देना होगा जवाब। पेड न्यूज और वोट के बदले नोट का आरोप। हरियाणा में बीजेपी 50 से ज्यादा सीटों पर करेगी कब्जा। सुषमा स्वराज का दावा, कहा प्रधानमंत्री ने हरियाणा का रखा है खास ख्याल। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हरियाणा में सरकार विरोधी लहर से इनकार। राजीव शुक्ला ने कहा कांग्रेस शासन में राज्य का बेहतर विकास। हिसार में तमाम मुद्दे हैं, प्रचार वहां चरम पर पहुंचा है। हिसार के मसले भी आज हम आपको दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल आज लोकतंत्र की शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की खबरों के साथ। महाराष्ट्र में चुनाव नजदीक आने के साथ ही बीजेपी और शिवसेना में तल्खियां बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना करते हुए बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगा दिया। वहीं प्रधानमंत्री के मुताबिक वो महाराष्ट्र को कभी नहीं बंटने देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सिंदखेड़ा, भुसावल, खामगांव और नागपुर में रैलियां की। सिंदखेड़ा की रैली में उन्होंने कहा कि वो किसी कीमत पर महाराष्ट्र को बंटने नहीं देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आदिवासी क्षेत्र को आगे बढ़ाए बिना विकास मुमकिन नहीं। इस देश में कोई ऐसा पैदा हुआ है जो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस भूमि के टुकड़े कर पाए? भाइयों बहनों, जब तक मैं दिल्ली में बैठा हूं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दुनिया की कोई ताकत महाराष्ट्र की एकता को तोड़ नहीं पाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया। दरअसल शिवसेना बीजेपी पर महाराष्ट्र को बांटने का आरोप लगा रही है। पार्टी के मुखपत्र सामना में भी उद्धव ठाकरे ने कहा कि नरेंद्र मोदी दिल्ली का कामकाज छोड़कर महाराष्ट्र के गांव-गांव में घूम रहे हैं। बीजेपी और सहयोगी पार्टी आरपीआई ने शिवसेना के इस बयान को हताशा भरा करार दिया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या शिवसेना हताश हो चुकी है, चुनाव मैदान में अपनी हार को कबूल कर चुकी है? क्योंकि जो जंग हमारा कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ था, ऐसा क्यों है कि शिवसेना आज अपना जंग बीजेपी के खिलाफ मान रही है? जो टीका टिप्पणी कर रहे हैं उनको थोड़ा ये गुस्सा है कि भाई ये बीजेपी और शिवसेना का अलायंस बरकरार रहना चाहिए था, तो टूट गए, इसलिए थोड़ा सा वो उसी तरह की बातें कर रहे हैं। जाहिर है बीजेपी के नर्म रुख का शिवसेना पर कोई असर पड़ता नहीं दिख रहा, इसीलिए बीजेपी अब बचाव की बजाय अपने सवालों से शिवसेना की आलोचना कर अपना रुख साफ कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने स्पष्ट किया है कि राज्यों के बंटवारे को लेकर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया है। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक पार्टी छोटे राज्यों के निर्माण के पक्ष में है। जब उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के विभाजन से साफ इनकार किया था, तो रविशंकर प्रसाद का कहना था कि प्रधानमंत्री ने ये बात मुंबई को लेकर कही थी और मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करने का कोई विचार नहीं है। हालांकि विदर्भ को अलग राज्य बनाने को लेकर पार्टी के रुख में कोई बदलाव नहीं हुआ है। गौरतलब है कि शिवसेना अलग विदर्भ राज्य का विरोध करती आई है। गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में रैलियों को संबोधित किया। लातूर जिले के चाकूर की रैली में उन्होंने सूबे के किसानों के मुद्दे पर जोर दिया। वहीं राजनाथ सिंह ने दावा किया कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से महंगाई काबू में आई है। उन्होंने कहा कि महंगाई जादू की छड़ी से नहीं बल्कि ईमानदार कोशिशों से काबू में आती है। चार महीने में हमने कुछ किया हो अथवा न किया हो,
लेकिन इस सच्चाई को मेरे बहनों भाइयों कोई नकार नहीं सकता है कि इन चार महीनों में बढ़ती हुई महंगाई को रोक देने में हम लोगों ने पूरी तरह से कामयाबी हासिल की। भले ही शिवसेना बीजेपी की आलोचना का कोई मौका नहीं छोड़ रही हो, लेकिन महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष देवेंद्र फडणवीस का दावा है कि गठबंधन टूटने के बाद भी दोनों दलों में कोई बैर नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद दोनों के साथ आने के रास्ते खुले हैं। देवेंद्र फडणवीस से राज्यसभा टीवी संवाददाता प्रणव गोस्वामी ने खास बात की। सर, शायद 25 साल में ये सबसे कठिन चुनौती है जब आपके 25 साल पुराने दोस्त आपके साथ नहीं है, किस तरह का ये एक चुनौती मानते हैं हम इन चुनावों में? पहली बार महाराष्ट्र की जनता को ये अपॉर्चुनिटी मिली है किसी एक पार्टी की सरकार को चुने, और महाराष्ट्र की जनता ये तय करेगी कि मोदी जी के हाथ में हाथ डालकर कौन सी सरकार काम कर सकती है। एक तरफ शिवसेना आपके साथ नहीं है और उस दूसरी तरफ आपके जो कदावर नेता गोपीनाथ मुंडे इस चुनाव में नहीं है, उनका निधन हो चुका है। ऐसे में अध्यक्ष होने के नाते आपके कंधों पर जिम्मेदारी आ गई है, क्या कहेंगे? गोपीनाथ राव जी हमारे बीच नहीं है, ये हमारे लिए दुर्दैवी है, लेकिन गोपीनाथ राव जी ने जिस प्रकार का कार्य खड़ा किया वो कार्य हमारे साथ में है। जिस प्रकार की संकल्पना उन्होंने तैयार की थी, इस चुनाव की जो तैयारी उन्होंने की थी, वो सारी हमारे साथ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों या उनके नाम पर चुनाव लोकसभा में लड़ा गया, स्थानीय रूप में ऐसे कौन से इश्यूज हैं जिनको लेकर आप जनता के बीच में जा? देखिए, जिस प्रकार से किसानों की आत्महत्या इस सरकार के कार्यकाल में हुए, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे कलंकित सरकार ऐसा इस सरकार की ओर देखा जाएगा, और इसलिए एक ओर हम महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे, दूसरी ओर हम सुशासन देंगे। शिवसेना के रिश्तों पर क्या कहेंगे? हम दोनों की मंजिल तो एक ही है, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस, मुक्त महाराष्ट्र करना। महाराष्ट्र में नेता कौन? भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड जिसको चुनेगा वो नेता। फडणवीस जी जिन्होंने कहा कि रिश्ते बदलते नहीं है, भले ही इस चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाया, और जहां तक बीजेपी के महाराष्ट्र में नेता के नाम पर उन्होंने इस सवाल को टाल दिया और कहा कि ये उनका जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो नतीजों के बाद ही तय करेगा। कैमरामैन दुष्मंता के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी, अहमदनगर। और महाराष्ट्र के कार्यकारी मुख्यमंत्री और कांग्रेस के नेता पृथ्वीराज चौहान का कहना है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद मैदान में उतरना पड़ रहा है। एक प्राइवेट चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि भारत के इतिहास में किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी चुनावी रैलियां नहीं की, और इसका कारण है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। बीजेपी इसी कमी को प्रधानमंत्री के जरिए दूर करना चाहती है। उन्होंने पार्टी पर प्रहार करते हुए कहा कि लोकसभा में हुई जीत के बाद बीजेपी में घमंड आ गया है। राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अमित शाह की महाराष्ट्र में हुई रैलियों पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी अब राज्य में नेताओं का आयात कर रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पेड न्यूज और वोट के बदले नोट के बयान पर आज चुनाव आयोग से नोटिस का जवाब देना है। हालांकि उन्होंने लातूर में मतदाताओं से पैसे लेने के अपने बयान का गलत मतलब निकाले जाने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के दौरान मीडिया कर्मियों के लिए अलग अलग पैकेज के अपने बयान पर कायम हैं। प्राइवेट न्यूज चैनल एनडीटीवी से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि कुछ मीडिया वाले पैकेज मांगते हैं। और कैमरा बाजू में रखकर किसी भी उम्मीदवार से बोलिए, किसी पार्टी के पूछिए, अगर आपको ये सवाल नहीं मिला तो आप मुझे दो दीजिए, हर आदमी बोलता है हमारा पैकेज क्या है। वहीं चुनाव आयोग के नोटिस के बावजूद नितिन गडकरी अपने बयान पर कायम हैं, उन्होंने माफी मांगने से भी इनकार किया है। एनडीटीवी से बातचीत में नितिन गडकरी ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है। पहली बात मैंने ये कहा है कि ये चुनाव में जो कुछ चल रहा है इसके फंदे में मत पड़िए, ये चुनाव आपके भविष्य को तय करने वाला है। जो लोग ऐसे कोशिश करेंगे इसके बहकावे मत आइए। पहली बात करो कि मैंने गलत कुछ कहा नहीं है, तो माफी मांगने का सवाल ही नहीं उठता। रविवार को लातूर की एक चुनावी सभा में नितिन गडकरी ने मतदाताओं को वोट के बदले मिलने वाले पैसे लेने की बात कही थी। चुनाव आयोग ने पहली नजर में इसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना है और बुधवार शाम तक जवाब मांगा है। उधर कांग्रेस ने नितिन गडकरी के चुनाव प्रचार पर रोक लगाने की मांग की है, तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने आयोग की कार्रवाई को सही ठहराया है। मैं चुनाव आयोग से ऐसी डिमांड करूंगा कि नितिन गडकरी को आगे कैंपेन करने से रोके,
क्योंकि सांप्रदायिक उन्माद या धार्मिक उन्माद फैलाने से भी ज्यादा खतरनाक बयान नितिन गडकरी का है। पैसा कोई भी अगर आपको ऑफर करता है तो पैसा ले लेना भी गुनाह का एक भाग बन जाता है। अबेटमेंट टू क्राइम पिनल कोड के या फिर पोल कोड के मामले में आ जाता है, तो इलेक्शन कमीशन ने नोटिस उन्हें सही दी है। अब उसका जवाब क्या देते हैं? अब वो ये कह रहे हैं कि मैंने जो कहा उसमें मैं कायम हूं और मैंने कोई गलत बात नहीं की। नितिन गडकरी के बयान से पेड न्यूज और चुनाव प्रचार के दौरान काले धन के इस्तेमाल की बहस फिर शुरू हो गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने पेड न्यूज को लेकर कड़ा रुख दिखाया है। 2009 में चुनाव के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर पेड न्यूज के मामले में चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया था। यह मामला अभी हाईकोर्ट में लंबित है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस के नेता नारायण राणे का कहना है कि 15 साल में कांग्रेस ने महाराष्ट्र में काफी विकास किया है और इसी मुद्दे को लेकर पार्टी चुनाव में उतरी है। नारायण राणे से राज्यसभा टीवी संवाददाता मृतांशु राय ने खास बात की। मेरे साथ हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राणे साहब। किन मुद्दों को लेकर के आप इस बार चुनाव में? विकास का मुद्दा लेके हम प्रचार कर रहे हैं और करेंगे। 15 सालों में कांग्रेस की जो यहाँ सत्ता थी, काफ़ी तरक्की डेवलपमेंट के काम किए हैं। वो काम देखते हुए हमें विश्वास है कि इस बार हमें आम जनता कांग्रेस को वोट करेंगी और उस कांग्रेस की यहाँ सत्ता आ सकती है। एंटी इनकम्बेंसी का आपको असर नज़र आ रहा है कहीं पर? नहीं आ रहा है। इसका वजह भी है कि जो अपोजिशन होते हुए भी अपोजिशन का रोल अदा नहीं किए, वो सत्ता पे आके क्या काम करेंगी? उन्होंने चुनाव के दरम्यान जो हमें आश्वासन दी थी, अच्छे दिन आने वाले हैं, महंगाई कम होने वाली है, वेजिटेबल से लेके हर चीज़ का दाम बढ़ने से आम जनता उस सरकार पे नाराज है। कितना नंबर देते हैं आप सीटों के मामले में अब कांग्रेस पार्टी को पूरे महाराष्ट्र? हमारा अंदाजा है अभी का जो वातावरण बना है उस वातावरण में हमें 155 से 160 तक सीट मिलना चाहिए। और लोकतंत्र में खबरें जा रही हैं, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। राहुल गांधी सबसे पहले रायगढ़ जिले के ऐतिहासिक कस्बे महाद में रैली करेंगे। रायगढ़ छत्रपति शिवाजी के मराठा साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। इसके बाद उनकी रैलियां लातूर और मराठवाड़ा में होंगी। राहुल कांग्रेस के पहले से केंद्रीय नेता हैं जो पार्टी के चुनाव प्रचार का आगाज करने आ रहे हैं। पार्टी महाराष्ट्र में लगातार चौथी बार सत्ता में वापसी के लिए बिना गठबंधन मैदान में उतरी है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह भी आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। वो नंदुरबार से चुनावी जनसभा की शुरुआत करेंगे। अमित शाह आज धुले भी जाएंगे और दोपहर बाद जलगांव के 40 गांव क्षेत्र में और औरंगाबाद के सिलोन में रैलियां करेंगे। भगवान ने हाइट ही इतनी दी है, सबसे पहले आप दिख जाते हो। मगर सबके सब प्रत्याशी बड़े महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी नागपुर में बीजेपी, शिवसेना और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। यहाँ पुणे और मुंबई की तरह प्रशासनिक इकाइयां हैं, लेकिन यहाँ लोक निर्माण के कई काम अब भी अटके पड़े हैं। देखिए खास रिपोर्ट। संतरों का शहर नागपुर कभी मध्य प्रांत और बरार राज्य की राजधानी रही। इस शहर में वो सारी खूबियां हैं जो इसके आर्थिक रूप से एक बड़े केंद्र में होनी चाहिए। नागपुर विदर्भ का एक बड़ा व्यापारिक शहर है। महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी वाला ये शहर विदर्भ के हजारों बेरोजगारों युवकों की उम्मीद का शहर भी है। रेल और यातायात मार्ग से जुड़ा ये शहर विदर्भ राज्य की राजधानी होने का दावा रखता है। राजनीतिक रूप से जागरूक इस शहर में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी पैठ बनाने की कोशिशों में लगी हैं। नागपुर जिले में लोकसभा की 2 और विधानसभा की 12 सीटें हैं। 2009 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एनसीपी गठबंधन ने 4 सीटों कटोल, नागपुर उत्तर,
नागपुर दक्षिण और सावनेर पर जीत दर्ज की थी, जबकि 8 सीटों पर बीजेपी शिवसेना गठबंधन का कब्जा था। इनमें हिंगना, कमाठी, नागपुर मध्य, नागपुर पूर्व, नागपुर पश्चिम, नागपुर दक्षिण पश्चिम, रामटेक और उमरेठ सीटें शामिल हैं। बीजेपी इस बार सरकार विरोधी लहर के बलबूते जीत हासिल करने की कोशिश में है, वहीं कांग्रेस अपने काम के बल पर जीत का दावा कर रही है। The irrigation potential which has to be developed has not been developed by these Congress and NCP government. As far as there are lot many farmers issues and many farmers are committing suicide. Now the agriculture as a whole has become a loss-making business, and so people are moving away from agriculture. Unemployment is a big issue in our district. नागपुर जिले में कई परियोजनाएं लंबित पड़ी हैं। मिहान परियोजना के तहत 10 साल से लंबित औद्योगिक गलियारे को विकसित करना सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। नागपुर फॉर एग्जाम्पल, यू वी हैव मिहान विच इज़ आर फ्लैगशिप प्रोजेक्ट। दिस हैज़ बीन अलाइव सिंस 2000-2001। इनफैक्ट इट वॉज कंसीव्ड एज बैक एज 1994, सो वी आर 20 ईयर्स अवे फ्रॉम देयर एंड वी स्टिल डू नॉट हैव एनी क्रेडिबल प्रोजेक्ट ओवर देयर। तो उत्तरी नागपुर को दक्षिणी नागपुर से जोड़ने वाला फ्लाईओवर का काम पिछले 20 साल से अटका पड़ा है, जिसकी वजह से यहाँ राजनीतिक पार्टियों को लोगों की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। दिस ब्रिज विच वॉज टू बी कम्प्लीटेड इन जून 2009 इन 42 मंथ्स, इट्स स्टिल इनकम्प्लीट, ओनली 40% वर्क हैज बीन डन एंड वी हैड टू फाइल अ PIL। लाइक इट इज नॉट अ कॉमन मैन्स जॉब, इट्स द जॉब ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन। नागपुर केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का गृह जिला भी है, इस बार उन्हें यहाँ नितिन राउत से कड़ी चुनौती मिल रही है। दोनों नेताओं पर पार्टी की साख बनाए रखने का दबाव है। महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी होने के बावजूद भी नागपुर में जिस तरह वृद्धि होनी चाहिए थी नहीं हो पाया। सरकार द्वारा आयोजित बहुत सारे कार्यक्रम अभी भी बंद पड़े हुए हैं। इस बार चुनाव में जनता का डिमांड है सरकार जल्द से जल्द इन सारे कार्यक्रमों को पूरा करे। कैमरामैन शिव कुमार के साथ मैं राजकमल राव, राज्यसभा TV। वहीं मुंबई उपनगर से सटे थाने जिले पर शिवसेना और NCP की मजबूत पकड़ रही है। पिछले कुछ सालों में यहां भारी शहरीकरण और औद्योगिक विकास हुआ है। नए समीकरण के बाद मौजूदा चुनाव में जिले को राजनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ठाणे जिला उत्तरी कोंकण का एक अहम हिस्सा है। आज से महज 80 बरस पहले ये एक रेलवे स्टेशन और उनके कर्मचारियों के रहने का ठिकाना भर था, लेकिन आज ये देश के विकसित औद्योगिक केंद्रों में शुमार रखता है। जिले के ज्यादातर मतदाता महाराष्ट्र के दूसरे इलाके से ताल्लुक रखने वाले हैं, जो रोजगार की तलाश में यहाँ आए और बस गए। रिहाइश यहाँ के लिए एक बड़ा राजनीतिक मसला है। यह इस शहर में और शहर में पानी की हमेशा जो लोगों के दिल में ऐसी एक धड़कन होती है कि पानी पूरेगा नहीं पूरेगा। ये शहर की आबादी 12 लाख है और ये शहर के डैम में 30 लाख बस्ती का पानी स्टोर है। ठाणे जिले में 18 विधानसभा सीटें हैं। 2009 में NCP ने 6, शिवसेना ने 5 और BJP, MNS और समाजवादी पार्टी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि एक सीट निर्दलीय ने झटका था। मौजूदा चुनाव में शिवसेना 11 और NCP 8 सीटों पर मजबूत दावेदारी पेश करती दिख रही है, जबकि समाजवादी पार्टी भिवंडी पूर्व और भिवंडी पश्चिम सीट पर एक बार फिर अपनी पकड़ बनाती दिख रही है। ये सब सरकार लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं और लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी कितने 10 लाख परिवार आज इस इंतजार में बैठे हैं कि ये समस्या का हल हो जाएगा, वो हम लोग को घर मिलेगा और हम लोग उसमें से वो करेंगे। मुंबई से सटे होने के कारण यहाँ धन बल के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग की पैनी नजर है। इज वेरी कीन ऑन कंट्रोल ऑफ यूज ऑफ ब्लैक मनी। In fact, there are now, static surveillance teams and all those teams on a large scale are checking vehicles if they are carrying cash beyond permitted limit. बंदरगाह के जरिए व्यापार के लिए इस शहर का ऐतिहासिक महत्व है। मिस्र और बेबीलोन के साथ 250 ईसा पूर्व होने वाले व्यापार के दस्तावेजी प्रमाण मौजूद हैं। इस जिले में हिंदू, मुगल, पुर्तगाली और मराठा शासकों ने शासन किया, जिसके चिन्ह आज भी नजर आते हैं। ठाणे जिला क्षेत्रीय पार्टियां जैसे कि शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती हैं। यहां पे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां कांग्रेस और भाजपा मौजूद तो हैं, लेकिन जहां तहां। अमृतांशु राय, ठाणे, महाराष्ट्र, राज्यसभा TV।
फिलहाल यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद बात करेंगे हरियाणा की। और आइए अब रुक कर लेते हैं हरियाणा की रण का। मुख्य चुनाव अधिकारी वीएस संपत ने कल हरियाणा में चुनाव से पहले स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरियाणा और उसके पड़ोसी प्रदेश जैसे उत्तर प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिवों और डीजीपी से बात की। इस बातचीत में उन्होंने हरियाणा में 15 अक्टूबर को होने वाले चुनाव को लेकर पड़ोसी राज्यों की तैयारियों की जानकारी ली। इन अधिकारियों ने उन्हें बताया कि राज्य से लगने वाली सीमाओं पर चेक पोस्ट लगा दिए गए हैं। शराब, हथियार और नकद के लिए तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। इस बीच पंजाब के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल ने जानकारी दी है कि राज्य में 64 नाके बनाए गए हैं जिन्हें मतदान वाले दिन सील कर दिया जाएगा। विदेश मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज का दावा है कि बीजेपी हरियाणा में 50 सीटों पर आराम से जीत जाएगी। कल कैथल में बीजेपी प्रत्याशी राव सुरेंद्र सिंह के समर्थन में हो रही रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में हरियाणा के 4 मंत्रियों को जगह दी है, इसलिए जनता का फर्ज बनता है कि वो बीजेपी को जिताए। राज्य सरकार की आलोचना करते हुए सुषमा स्वराज ने कहा कि वो दादागिरी में विश्वास करती है और जनता की समस्याओं से राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं है। हरियाणा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने सिरसा के रनिया में एक सभा को संबोधित किया। इस बार भी उनके निशाने पर कांग्रेस रही। उन्होंने कहा कि विकास के मामले में हरियाणा का पिछड़ापन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से है। उन्होंने ओम प्रकाश चौटाला के कार्यकाल की भी आलोचना की। हरियाणा में हुड्डा चौटाला ये खेल बहुत हो गया। हरियाणा को बर्बाद कर रख दिया। जात पात के आधार पर हरियाणा का वोट मांगकर अपने बेटे बेटियों का घर बनने के अलावे इन नेताओं ने कुछ नहीं किया। और अब समय आ गया, हरियाणा को विकास की यात्रा तेज करनी है तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत से जिताना पड़ेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने होडल की रैली में केंद्र सरकार की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि झूठे वादे करके बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में लोगों को गुमराह किया, लेकिन जनता झूठे वादों की हकीकत जान चुकी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा को विकास की दौड़ में सबसे आगे भी बताया। चीनी का गन्ने का भाव तो हम देते हैं सबसे ज्यादा पूरे देश में, 310 रुपए प्रति क्विंटल सारे देश में सबसे ज्यादा हरियाणा सरकार देती है। गुजरात में क्या भाव मिलता है पता करो, 220 रुपए क्विंटल, 1 क्विंटल में 90 रुपए ज्यादा हरियाणा देते हैं। तो ये आपके सामने है प्रत्यक्ष को प्रमाण की उतनी भाई, जितनी जल्दी इस सरकार की साख करते हमने देखी पहले कभी नहीं देखी राजनीति जीवन में। वहीं कांग्रेस के नेता राजीव शुक्ला ने चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा के विकास को बेहतर बताया। उन्होंने तीसरी बार कांग्रेस सरकार बनने का दावा किया। उधर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोनीपत में एक रोड शो करके जनता से वोट देने की अपील की। सोनीपत की सड़कों से गुजरता ये काफिला कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के रोड शो का है। वो सूबे में कांग्रेस के लिए जोर शोर से प्रचार कर रहे हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है कि राज्य में कांग्रेस सरकार के दौरान किसान की स्थिति मजबूत हुई है। पूरे प्रदेश में किसान को, गरीब आदमी को मजबूत करने की कोशिश हुई है। हर गांव तक विकास को लेकर जाने की कोशिश हुई है, चाहे किसान के फसल के भाव बढ़ाने की बात हो, किसान को चाहे 10 पैसे यूनिट पर बिजली देने की बात हो। चंडीगढ़ में पार्टी नेता राजीव शुक्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने हरियाणा के विकास को बेहतर बताया। विकास क्या होता है, विकास का मॉडल क्या है और गुजरात से कितना बेहतर विकास का मॉडल है, पूरी तुलनात्मक जो है एक ने सबके सामने तस्वीर पेश की है। और एक तरफ सिर्फ वादे हैं, वादों का पुलिंदा है और कोई सबूत इस बात का नहीं है क्योंकि वादे पूरे होंगे कि नहीं पूरे होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी जनसभाओं में 9.5 साल के कामकाज की उपलब्धियां गिना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। INLD प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला ने कल पंचकुला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने हुड्डा सरकार की आलोचना की, साथ ही शिक्षक भर्ती घोटाले में खुद को निर्दोष बताया।
इल्जाम ये लगाया गया था कि 3502 शिक्षकों से पैसे लेकर के हमने नौकरी दी थी। मेरे खिलाफ कोई एविडेंस नहीं, किसी एक शिक्षक की नहीं, किसी एक अधिकारी की नहीं, किसी की भी नहीं। अगर 3502 लोगों को नौकरी देने के नाम पर, उनके घर में चूल्हा जलाने के नाम पर अगर मुझे जेल जाना पड़े तो मैं तो सारी उम्र इस किस्म के काम करूंगा, चाहे मेरी सारी उम्र जेल में कट जाए। और आज बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती जालना और नांदेड़ में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगी। मायावती ने मंगलवार को 8 जनसभाओं को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र में चुनावी अभियान का श्रीगणेश किया है। बीएसपी हरियाणा में 90 और महाराष्ट्र की 288 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। और इसी के साथ हरियाणा और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़े हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।